इंद्रियों के अंदर वो हवन महसूस करते हैं, हवन महसूस करते हैं। और आपको वहां तक ले जाऊंगा कि पैर की और जिल्लत के मेरे कपड़े पहनने को, वाह, पैर की और जिल्लत के मेरे कपड़े पहनने को पहनते हैं अपने यारो, कफन महसूस करते हैं, पहनते हैं अपने यारो कफन महसूस करते हैं। ये इनका आज आने वाला कल तुम्हारा है, ये इनका आज आने वाला कल तुम्हारा है। और बुझा दो आग जिसकी ये तपन महसूस करते हैं, बुझा दो आग जिसकी ये तपन महसूस करते हैं। और अंतिम देखें कि वही औलादे जीवन का मजा भरपूर लेती है, वही औलादे जीवन का मजा भरपूर लेती है। रहे सेवा को जो तक कर रतन महसूस करते हैं, ये अपने आप से हारे थकन महसूस करते हैं और जिंदगी जी रहे हैं। क्या बात है, बहुत। और देखिए हमारे जो यहाँ पर बहुत अच्छा सुनाया करते हुए सबको अपनी कविता सुनाने का और प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हम त्रिवेदी जी को भी सुने, उनकी कविता बहुत जरूरी है, उनके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि आदमी नहीं, ये आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे जिसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं खाली हाथ है मगर झोले में इसके देश का संविधान है। जोरदार तालियों के साथ। अरे मैं तो बहुत देर से बोल ही रहा हूँ, कभी भी झूठा किसी से करार मत करना, पढ़ने के साथ निभा सको ना जो वादे वो यार मत करना, निभा सको ना जो वादे वो यार मत करना। देखें अभी चुनाव हो चुके हैं, समझ जाएंगे आप लोग। बहुत ही सोच समझ कर बहु विदा करना, जो डोली लूट ले ऐसे कहार मत करना, जो डोली सुनार मत करना। और अंतिम पंक्तियां हैं, रचना बहुत लंबी है क्योंकि समय काफी हो रहा है, इसलिए मानव कवियों के सम्मान में ये पंक्तियां कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। शहर के दंगों फसादों में घिर गया बच्चा, समझ के गए कवि और शायर यहाँ पर मौजूद है, उनके सम्मान में देखिए मैं चाहता हूं कि ये क्या लोग हैं, इसको जरा सा आप लोग समझाएं कि गीत गजल दोहे चौपाई डॉक्टर साहब और मानवर हमारे शर्मा जी बैठे, जिनके आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहां से शुरुआत की थी,
और उन्हीं के सम्मान में कुछ पत्ते देकर आज के कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे कि सूरज चंदा हम पर रहेंगे, धूप छाओ या बा क्या क्या रहेंगे चंदा बा। आइए आज के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हमारे अजय उपाध्याय जी, नितिन शर्मा साहब, उनके तमाम देवी शिक्षक साथी और ओम प्रकाश शर्मा जी का तेरी जवान में और कहना चाहूंगा कि कमल चांद सितारों में डाल सकते हैं, समंदर को तहमक तक खदान सकते हैं और इनके वजूद को इंचों में नापने वालों ये हर चट्टान से दरिया निकाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं बुलाता हूं एक शेर और कहना चाहूंगा, बेहतर से खून खून से बेहतर तलाश किया है, बेहतर से खून खून से बेहतर तलाश किया है, दरिया है समंदर तलाश किया है और टूटते आए हैं पत्थर से शीशे और जिससे शीशा टूट जाए वो पत्थर तलाश किया है। मैं ठीक के हिसाब से गुजारिश करूंगा कि दो मिनट का समय हो दे और जब अपनी दो बातें कहें, एक कमान में है चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जवान में। अब मैं उस आंख के जादू से ही शुरू करता हूं, अब मैं उस आंख को ही देखता हूं। वैसे अच्छा नहीं लगता वरिष्ठ कवियों ने मेरे आदरणीय उदय जी और त्रिवेदी जी ने पढ़ दिया उसके बाद लेखे चूंकि संयोजक है साहब उनका तो कहना मानना ही पड़ेगा, लिफाफा तो नहीं से लेना। अब इसे बंद कर लो भैया, मैं बहुत तंग आ चुका हूं इससे, मुझे आइडल करती है पल के बंद कभी खोलती आंखें, अंतस में मेरे बार बार डोलती आंखें, लगता है मुझ में मुझको ही टटोलती आंखें, लगता है मुझ में मुझको ही टटोलती आंखें, इन आंखों में समाए देखो ख्वाब कितने हैं, इन आंखों में समाने को बेताब कितने हैं, इतनी चलाई आंख के बदनाम कर दिया, आंखों ने भरा जोश कत्ले आम कर दिया, आंखों ने भरा जोश कत्ले मेरे। और मैं इसी आदर भाव के साथ में आमंत्रित करूंगा हमारे वैभव हमारे इस मीरगंज को दिशा देने वाले आदरणीय पंडित भुवननाथ शर्मा जी को, पूर्व विधायक, कृपया मंच पे आए क्योंकि आपका सहयोग करें श्री डॉक्टर शर्मा जी जिन्होंने इस विधायक रूप दिया है और इस विधायक को दिशा दी है, आप दोनों आए। और मैं इसी के साथ चौधरी साहब को भी एक मोमेंटो और ये इस रात को स्मरण बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आज वीरगंज के लिए एक स्मरणीय रात थी जिसका आनंद आप सभी ने लिया और इसी के साथ भावना के साथ हमारा इस कार्यक्रम को, और अंत में मैं इस विद्यालय के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने में बढ़िया प्रयास किया और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलो थैंक यू।